गाड़ी जो टाटा नेक्सॉन है उसका आज से 7-8 साल पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था। और ये जो गाड़ी है टाटा की तरफ से काफ़ी बढ़िया गाड़ी थी। इसमें आपको बढ़िया बढ़िया फीचर मिलते थे, बढ़िया लुक मिलती थी। और ये जो गाड़ी है साइड से कर्व थी, तो ये जो डिजाइन है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था और लोग इस गाड़ी को परचेज करते थे। और ये जो गाड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बिक रही थी, लोग इसको अच्छा खासा खरीद रहे थे और कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रही थी और अभी भी कमा रही है। और टाटा ने अपनी नई नई गाड़ियों पर अपडेट दिए हैं, सियारा, हैरियर, कर्व। लेकिन गाइस जो टाटा नेक्सॉन है उस पर अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया। जो कंपनी है वो केवल टाटा नेक्सॉन पर छोटे मोटे अपडेट दे देती थी या फिर उस पर कोई नया एडिशन लॉन्च कर देते थे। डार्क एडिशन, काजीरंगा एडिशन, जेट एडिशन, काफ़ी सारे एडिशन जो हैं टाटा ने अपनी कारों में लॉन्च करे हैं। लेकिन गाइस जो एडिशन होते हैं वो चलते हैं बड़ी गाड़ियों पर। एडिशन होता क्या है, जो गाड़ी होती है उसका थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट वाला वर्जन होता है, उसमें आपको बढ़िया फीचर मिलते हैं और थोड़ी जो लुक है उस पर थोड़ा काम किया जाता है और उसमें जो आपको पावर है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलती है। लेकिन जो नेक्सॉन है वो कम प्राइस रेंज वाली गाड़ी है, तो लोगों को इस प्राइस रेंज में एक बढ़िया गाड़ी चाहिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लुक कैसी, उन्हें केवल एक गाड़ी बढ़िया चाहिए जो सस्ती हो। और इस बीच जो है लोग एडिशन को नहीं देखते, वो सीधा गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी कैसी है और परचेज कर लेते हैं। और जो टाटा है उसने अपने 5 से भी काजीरंगा एडिशन को डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि उसकी जो सेल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी। और गाइस नेक्सॉन का हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, नेक्सॉन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नेक्सॉन में से टाटा ने अपना जेट एडिशन डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि तो भाई इसका भी पंच के जैसा हाल था, इसकी भी सेल अच्छी नहीं हो रही थी। लोगों को इस सेगमेंट में बढ़िया गाड़ी चाहिए, वो कोई एडिशन नहीं देखते, इस वजह से टाटा ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन जो टाटा नेक्सॉन है उसकी पेट्रोल वर्जन और इलेक्ट्रिक वर्जन में काफ़ी बढ़िया सेल हो रही है। भारत की बिकने वाली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी नेक्सॉन ही है और हर बार ये SUV की सेल में नंबर 1 पर रहती है। और कई टाटा ने नेक्सॉन में से ये जेट एडिशन डिसकंटिन्यू करके काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि इसकी सेल बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। टाटा पंच में से भी काजीरंगा एडिशन को डिसकंटिन्यू करके भी अच्छा किया, क्योंकि उसकी सेल भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। टाटा नेक्सॉन में से जेट एडिशन और पंच में से काजीरंगा एडिशन को डिसकंटिन्यू कर दिया है। और अब देखते हैं टाटा अपनी नेक्सॉन और पंच पर आने वाले समय पर क्या अपडेट देते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में।